सर्दी का सितम लगातार जारी, 16 जिलों में रेड अलर्ट, लखनऊ में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या अपने न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द स्थान रहा। 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी, जिसमें रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर शहर शामिल है। जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। ठंड का सितम लगातार जारी, सर्दी का सितम लगातार जारी, 16 जिलों में रेड अलर्ट, लखनऊ में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या अपने न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द स्थान रहा। 16 जिलों में रेड अलर्ट, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर शहर शामिल है। जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, क्या अपडेट है ठंड को लेकर, क्या सर्दी को लेकर चल रहा है पूरे उत्तर भारत में? जी, अभी मैं बताना चाहूंगा कि पूरा उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश इस समय सर्दी की चपेट में है और शीतलहर का कहर यहाँ पे जारी है। बात की जाए यूपी की, तो यहाँ पे 16 जिलों को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यानी पूरा एक तरह से कहा जाए तो कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है। रेड अलर्ट के जो जिले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बागपत, अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, साथ साथ हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव, कानपुर शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा जो है कि अयोध्या में ठंड पड़ रही है, और जो है कि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बाहर जो है कि विजिबिलिटी जो है कि सुबह के टाइम पे जीरो रह रही है, इससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ जो पेशेंट हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए राजधानी की, तो राजधानी लखनऊ में हार्ट के पेशेंट इतने ज्यादा बढ़े हैं कि जो हॉस्पिटल में जो आईसीयू है वो उसकी सारे बेड भर गए हैं, और जो है कि एक तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सख्ते में है, और तमाम तरह की जो एहतियात और जो व्यवस्थाएं करनी होती है वो लगातार की जा रही है कि आने वाले समय में अगर जो कोल्ड ऐसे बढ़ रहा है तो फिर मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या कुछ प्रबंधन किया जाए। तो शासन और प्रशासन पूरी तरह से इन सब चीजों पे जो है कि चिंतन कर रहा है और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट में विजिबिलिटी कम होने के चलते तमाम तरह के एक्सीडेंटें बढ़ रहे हैं। रेलवे की बात की जाए तो रेलवे की ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं, और साथ ही साथ जो फ्लाइट है प्रदेश से जाने वाली, लखनऊ से जाने वाली, वो फ्लाइटें भी काफी लेट है। एयर इंडिया की बात की जाए तो एयर इंडिया की लगभग 650 फ्लाइट पूरे देश में लेट चल रही है, और यूपी में एयर इंडिया, इंडिगो और तमाम तरह की जो फ्लाइटों का उड़ान है वो 1 से 1.5 घंटे कहीं ना कहीं विलंब हुआ है। अफीफा जी, पंकज, एक तरफ सर्दी का सितम लगातार जारी है, बहुत कोहरा हो रहा है, हर तरफ शीतलहर है, तो ये बताइएगा कि सरकार इस तरह से किस तरह से कदम उठा रही है उन लोगों के लिए जो बेघर हैं, जिस तरह के वो लोग जिनके पास घर नहीं है उनके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है बढ़ती सर्दी को लेकर? जी बिल्कुल अफीफा, आपको बताना चाहेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है कि जो घर से बाहर जो बेघर लोग हैं उनके लिए भी तमाम तरह की कवायदे की है, व्यवस्था की है। साथ ही साथ अलाव का प्रबंधन हर शहरों में चूंकि व्यवस्था की गई है नगर पालिका के द्वारा, यहाँ लखनऊ की बात की जाए तो रैन बसेरे के साथ साथ रोड के किनारे अलाव चलाए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं लोग जो है कि सर्दी से बचे और आग सेक करके सर्दी को दूर भगाए। रात की बात करें तो जिनके पास घर नहीं है उनके लिए रैन बसेरा यहाँ पे ओपन करके रखा गया है। खुद यहाँ पे रोशन जैकब जो कमिश्नर है यहाँ की, वो जो है कि लगातार रात्रि को भी विजिट कर रही है और देख रही है कि क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, लोगों को जो बेघर लोग हैं उनके सोने की क्या व्यवस्था है। तो सरकार फुल एक्शन मोड में है और ठंड से लोगों को राहत दिलाने के लिए जो तमाम तरह के एहतियात है वो अपनाए जा रहे हैं। जगह जगह कॉलोनियों में भी नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो है कि अलाव का प्रबंधन किया गया है। एक तरह से ये जो व्यवस्था है अलाव वाली वो पूरे प्रदेश के हर जिले में चल रही है, और साथ ही साथ रैन बसेरा जो है ऊपर से अधिकारियों को आदेश है कि रैन बसेरे में जो लोग ठहरे हुए हैं वहां पे बिस्तर की और ओढ़ने के लिए रजाई की किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इसमें वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और गली गली चौराहे पे जो है कि गरीब लोगों को, गरीब जनता को चूंकि कंबल बांटा जा रहा है, कंबल वितरित किया जा रहा है ताकि कोल्ड से कहीं ना कहीं जब पब्लिक को राहत मिले। तो सरकार इन सब चीजों पर एकदम मुस्तैदी से कार्य कर रही है और हर अधिकारी को आदेश दिया गया है कि जो रैन बसेरा है और जो अलाव की व्यवस्था है इन व्यवस्थाओं पर नजर बनी रहे कि कहीं किसी तरह की कोई कमी ना हो। अभी पर
मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दी गई है, कब तक रहेगा रेड अलर्ट और मौसम खुलने तक की क्या जानकारी है? देखिए अभी मौसम विभाग की तरफ से जो बातें निकल के आ रही हैं उसके अनुसार अभी एक हफ्ते ऐसे ही चलेगा, क्योंकि पहाड़ों पे जो ज्यादा बर्फबारी हो रही है तो उसका सीधा असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि दिल्ली और यूपी समेत पूरे उत्तर भारत जो है कि इस समय ठंड की चपेट में चल रहा है, और तापमान लगभग लगभग जो है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री के बराबर न्यूनतम तापमान बना रह रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री पे जाके अधिकतम तापमान रुक रहा है। सुबह और शाम का वक्त जो होता है वो काफी खतरनाक इस समय साबित हो रहा है, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को भी ये आदेश दिया है कि जिसको आवश्यक कार्य के लिए आवश्यक कार्य न हो वो बाहर न निकले ठंडी में। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इस पे नजर बनाई गई है और साथ ही साथ जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। अफीफा शुक्रिया पंकज हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए।